दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सर के पीछे होने वाले दर्द के कारण क्या होते हैं और साथ ही इसका सटीक इलाज भी जानेंगे। देखिए कई बार ना लोगों को सिर के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत होती है। दरअसल सिर के पीछे में दर्द के सबसे आम प्रकार में से एक है। ये दर्द ना आमतौर पर सिर के एक किनारे पर स्थित होता है, फिर ना दोस्तों धीरे धीरे से सिर के किनारे के आसपास और फिर माथे में भी फैल जाता है। सिर के पीछे दर्द ना गर्दन की चोट और कई कारण हो सकते हैं, जैसे लिम्फ नोड्स में सूजन का होना, ऑक्सीपिटल न्यूरोलॉजिया या फिर साइनसाइटिस के अलावा तनाव, सिर दर्द, क्लस्टर सिर दर्द और पेट में गैस के अलावा कई अन्य कारणों से भी सिर के पीछे दर्द होता है। साथ ही कई बार ये सिर दर्द ना नसों में सूजन और ब्लॉकेज के कारण भी हो सकता है, लेकिन इसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। सिर के पीछे दर्द की वजह से लोगों को लेटने बैठने तक मुश्किल हो जाती है, और अगर आप बार बार सिर के पिछले हिस्से में होने वाले दर्द से परेशान हैं तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा और कुछ घरेलू उपचार कीजिए। हाँ तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप दालचीनी, काली मिर्च और शहद का काढ़ा बनाकर पीजिए। सबसे पहले 250 ml पानी में एक टुकड़ा दालचीनी का और साथ ही 3 से 4 काली मिर्च के दाने डालकर इसे तब तक उबालें जब तक ये पानी उबलकर आधा ना हो जाए। इसके बाद में इसे छान लें और इसमें शहद को मिक्स करके पिएं। आप इसमें नींबू भी मिला सकते हैं। अगर आपको सिर के पीछे का दर्द ना आपके पेट में गैस की वजह से हो रहा है तो ये उसे निजात दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और दूसरे उपाय में आप हेड मसाज करें। देखिए सिर के पिछले हिस्से में दर्द की बात हो या फिर अन्य किसी भी हिस्से की, गुनगुने तेल से मालिश करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। इससे तनाव कम होता है, मस्तिष्क शांत होता है और आप आरामदायक महसूस करते हैं। ये सिर दर्द का सबसे प्रभावी घरेलू नुस्खों में से एक है। तो इसके लिए आप बादाम का, ऑलिव ऑयल का या फिर नारियल का कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। बस तेल से आप हेड मसाज ज़रूर कीजिएगा। और तीसरे वाले उपाय में ना दोस्तों आप दूध का इस्तेमाल करें। हाँ, इसके लिए आप 1/2 किलो दूध में 3 तोला इमली मतलब कि टैमरिन को 1 घंटे तक भिगोएं। याद रखें कि पहले आप इमली को गर्म पानी से धोकर ही भिगोएं, ठीक है। फिर इसके बाद में दोस्तों आप इस दूध को ना चूल्हे पर रखकर इसे उबालें। जब तक कि दूध नहीं फट जाता तब तक उबालें, और उसके बाद में जब दूध फट जाए तो आप इसमें से पनीर को निकालकर जो दूध का पानी बचता है ना इसमें आप ज़रूरत के हिसाब से मिश्री मिलाकर सुबह के वक्त पिएं। 3 से 4 दिन के इस्तेमाल से ना हर किस्म का सर दर्द में आपको बहुत ही फ़ायदा होता है, और ये उपाय ना बरसों से किया जाता आ रहा है, इसीलिए सर दर्द का इलाज करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। इसीलिए इसे आज ही ट्राई करके देखें।